Well, after the Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal was sent to the Enforcement Directorate custody, the Aam Aadmi Party has called for mega protests. The protests are currently underway in ITO's Shahidi Park, while on the other hand, the BJP is also holding a counter protest, which is in Rajghat, dismissing the charges that have been made by the Aam Aadmi Party over Arvind Kejriwal's arrest. देखिए आज पूरा देश देख रहा है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है. एक के बाद एक विपक्ष पे हमला हो रहा है. पहले एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन जी को गिरफ्तार किया जाता है, अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया जाता है. अगर एक एक करके विपक्ष के सारे नेताओं को जेल में डाल देंगे तो चुनाव का मतलब क्या हुआ? ये तो तानाशाही है. तानाशाही में विपक्ष के नेताओं को जेल डाला जाता है, तानाशाही में विपक्ष की पार्टियों के बैंक अकाउंट फ्रीज किए जाते हैं, और आज भारत में भी यही हो रहा है.